नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में जीएसटी ऑडिट के बारे में डिस्कस करने के लिए। आपको याद होगा कि मैंने एक ऑलरेडी जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के ऊपर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में आज बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे ऑडिट के एग्जीक्यूशन के बारे में। इस पूरे सीरीज को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज इस सीरीज का पहला पार्ट मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। इस सीरीज में मैंने वेरियस पॉइंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ को हाईलाइट करने की कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों यहां पर हमें 174 सेक्शंस, 162 रूल्स, 300 से ज्यादा नोटिफिकेशंस को डिस्कस करना है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मैं यहां पर वेरियस पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं टू इग्नाइट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर व्यूअर्स सो दैट दे कैन रिसर्च एंड रीड द रेलेवेंट इश्यूज इन डिटेल व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ देयर जीएसटी ऑडिट्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फटाफट क्विकली रीकैप करता हूं कि जीएसटी ऑडिट का पर्पस क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि स्कोप क्या है। पहला, जीएसटी ऑडिट का पर्पस है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स पेड, रिफंड क्लेम्ड, टर्नओवर डिक्लेयर्ड, आईटीसी अवेल्ड। चार बातें। अगला पार्ट जो है जीएसटी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू असेस द कंप्लायंस ऑफ ऑल द एक्ट्स एंड रूल्स एंड अदर नोटिफिकेशंस इशूड देयरअंडर। तो यहां पर टैक्स पेड, टर्नओवर डिक्लेयर्ड, रिफंड क्लेम्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। सबसे पहले हमें चाहिए एक अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द ऑडिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिट अलॉन्ग विद द डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। दोस्तों दूसरा, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर हमें साइन करवाना है ऑडिटी से। इसके बाद हमें बात करनी है इन बातों की जो कि क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस हैं फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसके लिए हमें रेफर करना है आईसीआई की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और उसका कोड ऑफ कंडक्ट, और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट को भी रेफर करना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस, ऑफ कोर्स मोर स्पेसिफिकली डिसक्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसके बाद हमें शुरुआत करनी है, हम रिकंसिलेशन, वेरिफिकेशन, बहुत सारे काम करने हैं इस ऑडिट में। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जीएसटी रिटर्न्स जो हैं वो किन किन डेट्स पर फाइल हुई हैं, क्योंकि जुलाई से अक्टूबर तक हमें जीएसटी रिटर्न्स की 3B फाइल करने की हमें कुछ फी की वेवर मिली थी, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। मैंने क्या किया है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे पॉइंट्स जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो सारे वहां पर पेस्ट कर दिए। वहां पर उस पेस्टिंग में मैंने रेलेवेंट लिंक्स ऑफ माय यूट्यूब वीडियोस भी पेस्ट कर दिए, जहां जहां जो मैं इशू डिस्कस कर रहा हूं अगर मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई हुई है तो मैंने उसका लिंक भी वहां पेस्ट कर दिया, ताकि अगर आप डिटेल में उस पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो 3B के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जिसकी फाइन एंड पेनल्टीज के बारे में बताया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। डिटरमाइन करना है कि किन किन कहां कहां फी पेबल थी, कब तक वेवर था और उसके बाद कब हमने पे करनी थी जो नहीं पे की। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है ये डिटरमाइन करना कि सप्लाई क्या है। सप्लाई के लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई है दोस्तों, व्हाट इज सप्लाई, हाउ टू डिटरमाइन सप्लाई। सप्लाई सेक्शन 7 शुरुआत होती है सेक्शन 7 से, उसमें जोड़ दो शेड्यूल 1, उसमें से घटा दो शेड्यूल 3 और उसमें से घटा दो सेक्शन 11 की एग्जेम्प्टेड आइटम्स। शेड्यूल सेक्शन 7 हम जानते हैं, शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन के आइटम्स हैं और सेक्शन 11 में वो आइटम्स होती हैं जो कि एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज हैं, नोटिफाई होते हैं और वहां पर नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं उनको घटा दो। ये इक्वेशन जो है हमारी डिटरमाइन करती है कि एक्चुअली हमारी सप्लाई क्या होनी चाहिए थी और क्या है। उसके बाद हमें अपनी रिकंसिलेशन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की विद पोर्टल और डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है और उन डिफरेंस को करेक्ट करना है थ्रू फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑल्सो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हर रजिस्टर्ड पर्सन ने एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, भले वो ऑडिट करवा रहा है या नहीं, उसकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है या नहीं है, एनुअल रिटर्न फाइल फिर भी करनी है। उसके बाद हमें यह जानना जरूरी है दोस्तों कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई प्रॉपरली डिटरमाइन हुई कि नहीं हुई। इन दोनों में जो बहुत ही मेजर और सिग्निफिकेंट अंतर जो है
बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इस डिफरेंस की वजह से रेट ऑफ टैक्स में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि टैक्स पेड जो है रजिस्टर्ड पर्सन ने वो प्रॉपरली पे हुआ है कि नहीं हुआ। टैक्स पेड कैलकुलेट करने के लिए मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना है और मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है। टैक्स पेड इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, दैट शैल बिकम द टैक्स पेड। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टैक्स पेड आई नीड टू अंडरस्टैंड कि रेट ऑफ टैक्स जो लगाया है मैंने अपनी सप्लाई में वो प्रॉपर लगाया है कि नहीं लगाया। उसमें क्या है दोस्तों कि रेट ऑफ टैक्स अगर कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, अगर मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट ऑफ द रेट लगेगा और कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। तो ये भी डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हम अपने प्रॉफिट लॉस को उठाएं और प्रॉफिट लॉस में जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है, जो भी क्रेडिट साइड है दोस्तों, टू माय अंडरस्टैंडिंग हर चीज लायबल टू जीएसटी है, हर चीज सप्लाई है, अनलेस वो उस इक्वेशन में ना आए जो मैंने आपको ओपनिंग लाइन में बोला। सेक्शन 11 में दो नोटिफिकेशंस इशूड हैं, एक 2/17 गुड्स के लिए, 12/17 सर्विसेज के लिए। अगर कोई भी क्रेडिट साइड पे आइटम आपको नजर आती है प्रॉफिट लॉस में तो वो सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, अनलेस इट इज नॉट एग्जम्प्टेड। तो आपको 2/17 गुड्स के लिए और 12/17 सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन को डिटेल में ध्यान रखना है। उसके बाद रिवर्स चार्ज की बात करते हैं दोस्तों। प्रॉफिट लॉस उठाया हुआ है मैंने, डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस के दो हिस्से कर लो, 1 अप्रैल से 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 12 अक्टूबर में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल था। रिवर्स चार्ज दो तरीके का है, 9(3), 9(4). हम बात कर रहे हैं 9(4) की, जो कि सस्पेंड हो गया, 31 मार्च तक सस्पेंडेड था, फिर 30 जून तक फर्दर एक्सटेंड किया, अब वो 30 सितंबर 2018 तक एक्सटेंडेड है, लेकिन ऑडिट करते हुए हमें 31 मार्च 2018 तक देखना है। 9(4) वाला रिवर्स चार्ज दोस्तों वॉज वेरी वेल इन ऑपरेशन, उसमें 13/17 सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन है, इसमें 9 सर्विसेज आइडेंटिफाइड है जिन पर रिवर्स चार्ज कंपलसरी लगता है, और रिवर्स चार्ज का मतलब है कि रेसिपिएंट ने टैक्स देना है इंस्टेड ऑफ द चार्जिंग बाय द सप्लायर। तो 9(4) वाला रिवर्स चार्ज 12 अक्टूबर तक था। 9(4) वाला रिवर्स चार्ज क्या कहता है कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो टैक्स देना है रेसिपिएंट ने। तो 12 अक्टूबर तक जितने भी आपके सप्लाईज इनवर्ड सप्लाईज थी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज देना था। आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसका प्रॉफिट लॉस सेपरेट कर लीजिए, एक्सेल में कन्वर्ट कीजिए सारे परचेजेस को, इनवर्ड सप्लाईज को, और जहां भी आपको GSTIN नहीं नजर आए क्लाइंट के रिकॉर्ड्स में, वो पर्टिकुलर इनवर्ड सप्लाई इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अगर उसके ऊपर टैक्स दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कीजिए, आज सेक्शन 50 में ब्याज पे कीजिए और उसका क्रेडिट उसी मंथ में ले लीजिए जिस महीने आप पे कर रहे हैं। उसके बाद एडवांसेस की बात आती है दोस्तों। एडवांसेस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ आर टैक्सेबल, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद एडवांसेस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन सर्टन केसेस वाज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 12 अक्टूबर तक अगर आपने कोई गुड्स की सप्लाई के लिए एडवांस लिया है तो वो टैक्सेबल था, सर्विसेज की सप्लाई के लिए एडवांस जो लिया है वो आज भी टैक्सेबल है, 31 मार्च तक टैक्सेबल था दोस्तों, उसके ऊपर टैक्स एडवांस में जाना था। उसके बाद आप अपनी टोटल सप्लाई को क्लासिफाई कीजिए इन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। उसके बाद आप क्लासिफाई कीजिए गुड्स एंड सर्विसेज के HSN और रेट ऑफ टैक्स को, उनको डिटरमाइन कीजिए। उसके बाद आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी। 7 कंडीशंस फॉलो करनी है दोस्तों इन ऑर्डर टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहला, कोई भी इनवर्ड सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा, आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीसरा, आपको गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव हो जानी चाहिए। और चौथा, आपके सप्लायर ने उसके ऊपर टैक्स पे किया होना चाहिए। पांचवा, आपने अपनी रिटर्न सेक्शन 39 में फाइल कर दी गई होनी चाहिए। छठा जो है, 180 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस आप टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स आपने अपने सप्लायर को पे कर दिया होना चाहिए। और सातवां, सितंबर तक आप क्रेडिट ले सकते हैं, सितंबर नहीं बीता होना चाहिए। सितंबर कौन सा, जैसे 31 मार्च 2018 की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 का तक का क्रेडिट 30 सितंबर 2018 तक लिया जा सकता है।
तो अगर कोई भी 31 मार्च का इनवॉइस या डेबिट नोट आपका मिस हुआ है तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं 31 सितंबर 2018 तक। ये 7 कंडीशंस पूरी कीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। ये सब के केसेस में आपको चेक करनी है दोस्तों। आपको कंपोजिशन डीलर से परचेजेस का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ब्लॉक क्रेडिट चेक करने हैं दोस्तों। यहां पर भी मेरी एक वीडियो है, मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। ब्लॉक क्रेडिट्स में मैं कुछ आइटम्स को उठा रहा हूं सिर्फ दोस्तों, जैसे कि इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, क्या क्रेडिट अवेलेबल है? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू माय अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट शैल बी अवेलेबल इफ मोटर व्हीकल इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस। व्हेन क्रेडिट अवेलेबल फॉर व्हीकल्स, क्रेडिट शिल बी अवेलेबल ऑन द परचेज ऑफ व्हीकल अगर आप टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उनको बेचने की, उनके उनसे पैसेंजर्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हैं, या फिर आप उन व्हीकल से गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, मोटर ड्राइविंग स्कूल खोला हुआ है आपने, ट्रेनिंग स्कूल खोला हुआ है, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। और चौथा, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी दुकान के लिए, गोडाउन के लिए, तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा दोस्तों। रिपेयर्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, क्या क्रेडिट मिलता है? टू माई अंडरस्टैंडिंग अगर रिपेयर को आपने कैपिटलाइज नहीं किया है तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने उसको चार्ज किया है प्रॉफिट लॉस में तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। गिफ्ट एंड सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंटेंशियस इशू। देन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? अगर मैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच में जाऊं तो वहां पर ये सारी बातें जो मैंने अभी दो लास्ट बोली हैं, आपको इनका क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट रिवर्सल करना है दोस्तों रूल 42 में 5% का, हर केस में कॉमन क्रेडिट का, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स के क्रेडिट का रिवर्सल करना है दोस्तों आपने। ये है ब्लॉक्ड क्रेडिट्स दोस्तों। आज अगला लास्ट इसमें हम ट्रांजिशनल इश्यू क्रेडिट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 139, 140, 141, 142 तक आपने सारे सेक्शंस का ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज राइटफुली प्रॉपरली क्लेम्ड द ट्रांजिशनल क्रेडिट और नॉट। यहां पर आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ट्रैन वन चेक कीजिए, ट्रैन वन में प्रॉपर क्रेडिट है, उसकी जस्टिफिकेशन है या नहीं है, उसके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। ट्रैन वन में जितना क्रेडिट है वो मेजोरिटी सेक्शन 140 से आया है। ट्रैन टू चेक कीजिए, वहां फाइल होगा ट्रैन टू, जहां पर डीम्ड क्रेडिट होगा सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 के प्रोवाइजो में डीम्ड क्रेडिट लिखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए कि ट्रैन वन में आपके रजिस्टर्ड पर्सन ने वो स्टॉक डिक्लेयर किया या नहीं किया जो उसके जॉब वर्कर के पास था 30 जून को। अगर उसने वो स्टॉक डिक्लेयर नहीं किया दोस्तों तो वो स्टॉक जब इनवर्ड आएगा तो उसे हम परचेज फ्रॉम इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों यहां तक आज हमारा पार्ट वन डिस्कस करेगा, हम बाकी जीएसटी में ऑडिट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या क्या इश्यूज हम हाईलाइट करने हैं, इग्नाइट करने हैं, वो नेक्स्ट पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब वीडियो चैनल, थैंक यू वेरी मच।